अगस्त से 30 सितंबर बुरा दौर शुरू मिथुन राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो किस प्रकार से 25 अगस्त से लगा करके 30 सितंबर तक का बुरा दौर आपके लिए शुरू रहेगा, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए। ग्रह गोचर बहुत बढ़िया मिथुन वालों के लिए बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है इस अवधि में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह गोचर की, और उससे पहले मैं ये बता दूं, ये लोग ये जो मैं राशिफल बता रहा हूं ये आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, सटीकता ज्यादा मिलेगी। जिनके पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग ही चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर लग्न और चंद्र आपको कुछ पता ही नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार फलादेश समझिए और थोड़ा उपाय जरूर करिए। उपाय में बड़ी दम होती है, मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ, उपाय करोगे जरूर फायदा मिलेगा। आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति ठीक है। लग्नेश आपके धन भाव पे शुरुआत में गोचर कर रहे हैं बुध देवता, और सिंह राशि में 4 सितंबर से गोचर करने लगेंगे और फिर 22 सितंबर से कन्या राशि में गोचर करने लगेंगे। तो लग्नेश की स्थिति धन भाव पे, चौथे भाव पे और तीसरे स्थान पे, तीन जगह रहने वाली है इस अवधि में 25 अगस्त से लगा करके 30 सितंबर तक। शुक्र देवता ये आपके कुंडली में होता है पंचमेश, ऐसा शुक्र 25 अगस्त को नीच राशि में चौथे भाव में बैठ जाएगा और उसके बाद तुला राशि में 18 सितंबर को बैठेगा। सूर्य देवता ये आपके शुरुआत में तीसरे स्थान में गोचर कर रहे हैं अपने ही घर में, ये 16 सितंबर को आपके चौथे भाव में गोचर करने लगेंगे। तो शुक्र और सूर्य दो ग्रहों का कुछ दिनों के लिए कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मंगल आपकी कुंडली में रोग का मालिक होता है और आमदनी का मालिक होता है, ऐसा मंगल आपके लग्न पर विराजमान रहेगा 26 अगस्त से लगा करके पूरा सितंबर, तो ये एक शुभ समाचार नहीं है। अब जानकारी देंगे राशि फल की। सबसे पहले जानकारी देंगे उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हो ठीक है, स्थिति आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि शुक्र बेशक नीच का है लेकिन कर्म भाव पे उच्च की दृष्टि डाल करके बैठा हुआ है, तो नौकरी आपकी बढ़िया तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेगी। कहीं कोई दिक्कत आपको नौकरी में नहीं मिलेगी, लेकिन नई जॉब अगर ढूंढ रहे हो तो इस अवधि में आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलते हुए कतई दिखाई नहीं पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कार्यरत हो तो नौकरी बढ़िया चलती रहेगी, लेकिन नए जॉब की उम्मीद इस अवधि में आपको नहीं करनी चाहिए। व्यापारियों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब नहीं है, काम चलाओ व्यापार आपका चलता रहेगा। अब अगर बात करें विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी दिक्कत नजर आ रही है क्योंकि आपके बुद्धि का मालिक शुक्र देवता नीच का बैठा है, तो विद्यार्थियों के लिए 25 अगस्त से लगा करके 17 सितंबर तक का जो स्थिति है बहुत बढ़िया बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। इस अवधि में आपके लिए स्ट्रगल बढ़ेगा, बुद्धि में मन में दोनों जगह बहुत ज्यादा भटकाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा, पढ़ाई से आपका मन हटता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर इस प्रकार की कोई भी स्थिति विद्यार्थी अनुभव करते हैं तो ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का मिनिमम 51 टाइम्स टू 108 टाइम यदि आप प्रतिदिन जप करोगे इजिली आप इस स्थिति से बाहर आ जाओगे। प्रेमी जोड़ों के लिए प्रेम में सफलता दूर दूर तक का मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रही, तो प्रेम के चक्कर में तो गलती मत पड़ जाना।
अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, कोर्ट कचहरी वगैरह में फंसे हो, तो यहाँ स्थिति बढ़िया दिख रही है। शत्रुओं का विध्वंस होना, कहीं ना कहीं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, मुकदमों वगैरह से आपको राहत मिलना, इस प्रकार की स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ रही है। कहीं पर गलती से किसी के भी कहने पे समय आपको निवेश नहीं करना चाहिए, खास करके प्रॉपर्टी वगैरह के चक्कर में, खरीदारी के चक्कर में या बेचने के चक्कर में इस अवधि में आपको नहीं पड़ना चाहिए, खास करके 18 सितंबर तक। 18 सितंबर के बाद स्थिति आपकी बढ़िया बन जाएगी, तब आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन 18 सितंबर तक का विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। यात्रा करना चाहते हो तो यात्रा के लिए स्थिति ठीक ठाक है, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया नहीं है, स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, यात्रा आप कर सकते हो। एक ही प्लस पॉइंट सबसे ज्यादा नजर आ रहा है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की कुंडली में, कि आपके कुंडली में भाग्य भाव पर शनि बैठे हुए हैं, तो शुरुआत में 25 अगस्त से लगा करके 15 सितंबर तक का तो भाग्य आपका सामान्य तरीके से साथ दे रहा है, देगा, क्योंकि सूर्य और शनि आमने सामने हैं, लेकिन 16 सितंबर से भाग्य आपका पूरी तरीके से बढ़िया साथ देना शुरू कर देगा, तब आपकी उन्नति प्रत्येक क्षेत्र में होते हुए दिखाई पड़ेगी। शनि की कृपा से जो दैवी कृपा है वो बन रही है, और इस दैवी कृपा का लाभ आपको मिलेगा, यही एक बड़ा प्लस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। बात करें अगर शेयर सट्टे में जुड़े लोगों के लिए, या कोई नया काम करना चाहते हैं, तो भैया गलती से भी पैसा कहीं लगा मत देना, और शेयर बाजी यदि बहुत ज्यादा करते हो तो कतई दूरी बना करके रखना, वरना कमाओगे तो चवन्नी नहीं, लेकिन हाँ पैसा कहीं ना कहीं ग्रहों के गोचर के अनुसार डूबने के योग ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इस अवधि में वाणी दोष आपके कुंडली में अधिक बना हुआ है, तो वाणी पर नियंत्रण रखना, वाणी का संभल करके प्रयोग करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस महीने सितंबर के सभी मिथुन राशि वाले मानसिक अशांति बहुत ज्यादा महसूस करने वाले हैं, खास करके 17 सितंबर तक का। 17 सितंबर तक मन में उल्टा सीधे विचार आना, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी होना, बहुत ज्यादा मान सम्मान न मिलना, जाने अनजाने कोई ऐसा काम इस अवधि में मत कर बैठिएगा कि आपके मान सम्मान पे आंच आ जाए, मान सम्मान की हानि हो, क्योंकि रोगेश बैठा है आपके लग्न में, कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह डाइवर्ट कर सकता है जिसमें मान सम्मान आपका चला जाए, तो इसलिए ऐसा कोई काम मत करिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लग्न पर मंगल का बैठना बहुत शुभ नहीं है, स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया साथ देता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जितना गणेश जी के मंत्र का जप करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा, गणेश जी के मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा ताकि आपको राहत मिले। वैसे गोचर के अकॉर्डिंग मिथुन वालों का जो समय है गड़बड़ा है। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं, नमस्कार।